हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक्सरसाइज 6.1 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो 6.1 का पहला सवाल है, 2 sin 45 मल्टीप्लाई कॉस 45। तो हम जानते हैं कि sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो 2 × 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो हमने यहाँ पे 2 × 1/√2 × 1/√2 किया तो हमारा आया 2/2। इनको काटने पर मिलता है हमें 1 आंसर। और 6.1 एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, कॉस 45 इंटू कॉस 60 माइनस साइन 45 मल्टीप्लाई साइन 60। तो दोस्तों, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/√2 × 1/2 और माइनस 1/√2 × √3/2। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला ये 1/√2 माइनस 3/√2। तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेके हमें प्राप्त होता है 1 − √3/2 आंसर। और 6.1 का थर्ड सवाल है, 3 sin 60 − 4 sin³ 60। तो sin 60 की वैल्यू होती है दोस्तों 1√3/2 एंड sin 60 की वैल्यू होती है 1√3/2। हमने वैल्यू पुट की 3 × 1√3/2 एंड माइनस 4। तो यहाँ पे sin क्यूब है तो हमने यहाँ पे क्यूब करना है 1√3/2 का क्यूब। तो हमने किया 3 का मल्टीप्लाई 1√3/2 से किया तो 3√3/2 एंड 3√3/2 का क्यूब किया तो हमें क्या मिलता है 3√3/8। हमने उसका मल्टीप्लाई 4 से किया तो 12√3/8 मिलता है। उन दोनों का एलसीएम लिया हमें 8 आया और 12√3 − 12√3 = 0। तो यदि किसी भी संख्या का 0 में डिवाइड देने पर 0 ही आता है। और अगला सवाल है 6.1 का, 4 cot² 45 − sec² 60 + sin² 60 + cos² 90। तो दोस्तों, cot 45 की वैल्यू होती है 1 एंड sec 60 की वैल्यू होती है 2 एंड sin 60 की वैल्यू होती है 1√3/2, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो हमने cot 45 की वैल्यू रखी 1 एंड इसका स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर एंड sec² sec 60 की वैल्यू होती है 2। तो 2 का स्क्वायर पूछा है, हमें 2 का स्क्वायर किया। sin 60 की वैल्यू होती है 1√3/2 तो हमने 1√3/2 का स्क्वायर किया एंड cos 90 की वैल्यू होती है 0 तो हमने इसका स्क्वायर किया। तो 4 × 4 एंड 2 − 2² 4 एंड 3√3/2 का स्क्वायर किया तो 3/4 आया प्लस 0। तो हमने इसका एलसीएम लेके हमारा आंसर आएगा 3/4। अगला सवाल है हमारा दोस्तों 6.1 का फिफ्थ क्वेश्चन, 10² 60 + 4 sin² 45 + sin² 90 / 3 sec² 30 + cos² 60 − cot² 30। तो 10² 30 की वैल्यू क्या होती है 1√3। हमें स्क्वायर पूछा है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर किया है प्लस 4 1/√2 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इसलिए हमें स्क्वायर भी पूछा है तो हमें स्क्वायर भी करना है। एंड sin² 90 sin 90 की वैल्यू होती है 1 तो यहाँ पे स्क्वायर पूछा तो स्क्वायर किया हमने एंड इसका पूरा अपॉन में लेके नीचे वाला करना है ये 3 sec² 30 + cos² 60 − cot² 30। तो sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 और मल्टीप्लाई में 3 लग रहा है और स्क्वायर है तो हमें करना है 3 × 2√3 और उसका स्क्वायर प्लस cos² 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 और यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करना है। −√3 क्यों रखा है हमने, cot 30 की वैल्यू होती है √3 एंड ये स्क्वायर क्यों लगाया हमने ये,
क्योंकि इसमें पूछा गया है। बाद में हम का एलसीएम लेते हैं ऊपर वाली संख्या का, क्योंकि 2√3 × √3 करेंगे तो 3 आता है, तो 3/1 + 4 × 1/√2 का स्क्वायर कितना है 1/√2 × 1/√2 = 1/2, तो क्या हुआ 4/2 + 1, तो इनका एलसीएम लेके आया हमारा 6, यहाँ पे हमारा 6 आया। एंड नीचे का लिया हमने एलसीएम, उसमें नीचे क्या था 3 × √3 का स्क्वायर, तो 2/√3 का स्क्वायर क्या होता है 4/3, और 4/3 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 12/3 + एंड 2/√3 का स्क्वायर अभी मैंने अभी बताया आपको 4/3 एंड माइनस √3 का स्क्वायर, और माइनस यानी यहाँ पे ये माइनस साइन दिया है, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3/4। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये एलसीएम लिया है 3 3 3, इसका एलसीएम लेके हमने 16 − 9/3 = 7/3। एंड हमारा नेक्स्ट सवाल है 6.1 का, सिक्स सवाल sin 30 − sin 90 + 2 cos 0 angle एंड 10/30 × 10/60, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड sin 90 की वैल्यू होती है 1 एंड cos की होती है 1, तो हमने रख दिया 1/2 − 1 + 2/1, तो इनका एलसीएम लिया तो हमें आया 3/2 एंड 10/30 × 10/60, तो 10/30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 × क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है तो इसलिए हमें ये साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई का लगाना पड़ेगा। 10/60 वैल्यू होती है √3, तो उनको काटा तो 1 मिला हमें। बाद में हमें 3/2/1, तो आप इनका गुना करना जानते हो, क्योंकि 3/2 × 1, तो उसका मतलब यही होता है 3/2, इसलिए दो। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।